तो अब हमारा ओजोन टॉपिक खत्म हो चुका है उसको फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं और उसके नोट्स भी बना लेते हैं तो हमने देखा था टू टाइप्स ऑफ ओजोन और फाउंड बैड ओजोन एंड गुड ओजोन बैड ओजोन इज फॉर्मड इन द लोअर एटमोसफियर ट्रोपोस्फेयर वाले रीजन में दैट हार्मस प्लांट्स एंड एनिमल्स गुड ओजोन इज फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर कॉल द स्ट्रेटोस्फेयर एंड इट एक्ट्स एज अ शील्ड अब्जॉर्बिंग द अल्ट्रा रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन द कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमोसफियर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉपिट जिसको हम डीयू से रिप्रेजेंट करते हैं दर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन इन दटोसफियर आप इस वीडियो को पॉज करें और इन सारे ही पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लें तो चलिए देख लेते हैं हमने और क्या क्या पॉइंट सीखे थे ozone depletion is particularly marked over the antarctic region which resulted in the formation of a large area of thinned ozone layer commonly called as the ozone hole uvb damages dna and mutation may occur it causes aging of skin various types of skin cancers snow blindness cataract etc an international treaty known as the montreal protocol was signed at montreal canada in 1987 Which got effective in 1989 to control the emission of ozone-depleting substances। आप इस वीडियो को वापस से पॉज कर ले और इन सारे पॉइंट्स को भी अपनी कॉपी में लिख लें। आपके सामने कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं अपनी कॉपी में। तो आपको करना है एनसीआरटी का क्वेश्चन नंबर सिक्स और वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर थ्री।